ये है साइटोप्लाज्म, एक्वियस सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका डायग्राम है। और 90% जो है इसका वाटर एंड ऑर्गेनेलीज जो है वो इस सब्सटेंस में होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स में होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल्स। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। फ्लैट एंड सेक है जिसको हम सिस्टर्ने भी कहते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और इसके दो किस्में हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पर राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो राइबोसोम्स हैं ये छोटे छोटे दाने नुमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। ये कंपोज्ड होते हैं दो किस्म के यूनिट्स पे, एक स्मॉलर होता है और एक लार्जर होता है, और ये जो है प्रोटीन्स बनाने के फैक्ट्रीज कहलाते हैं। गॉल्जी अपरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह सैक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो लादे हुए होते हैं, और ये स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जो मटेरियल सेल्स बना देते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल को किसी तरह से हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी पैकेजिंग करते हैं यानी मेम्ब्रेन में लपेट लेते हैं उसको। मिसालें हैं इसकी हार्मोन्स है, लाइसोसोम्स हैं, और जो प्लांट सेल सेलुलोज फाइबर्स जो धागे हैं वो रिलीज़ करते हैं ताकि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकें। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने? आपने भी नोट कर लिया? ठीक हो गया, आपकी नींद पूरी हुई बेटा? ठीक है।